छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय आह्वान पर जिला बालोद के हृदय स्थल घड़ी चौक में पूर्व सेवा काल गणना की मांग को लेकर जिला स्तरीय सत्याग्रह आंदोलन किया गया। सभी पदाधिकारियों ने संविलियन के पूर्व के सेवा अवधि की गणना की मांग को लेकर एवं जन घोषणा पत्र में उल्लेखित विषयों सहित लंबित महंगाई भत्ते एवं अन्य मांगों पर रणनीति बनाकर संघर्ष करने की बात कही। संविलियन के पूर्व तत्कालीन प्रमुख सचिव शिक्षक ने संविलियन तिथि से विभाग की सहायक शिक्षक शिक्षक एवं व्याख्याता की सूची में संविलियन होने वाले शिक्षकों को वरिष्ठता दी है। इस बात का शिक्षक संघ पुरजोर विरोध करते हुए प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता देने का पक्ष रखा। ये छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय आह्वान पर सत्याग्रह है। आज 2 अक्टूबर को पूरे प्रांत के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी शिक्षकगण जन घोषणा पत्र में सरकार ने जिन विषयों को शामिल किया है उनमें क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन विसंगति दूर करने, पुरानी पेंशन बहाली, लंबित महंगाई भत्ता, इन सभी मांगों को लेकर के पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया जा रहा है। और उसी कड़ी में यहाँ बालोद जिले के भी हमारे टीचर्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और शिक्षक साथी उपस्थित हैं। और यदि हम गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सरकार से ये अपेक्षा करते हैं और सत्याग्रह भी करते हैं कि हमारी मांगों को वो अनदेखी ना करें और समस्त जितनी भी हमारी मांगे हैं उन पर यथाशीघ्र निर्णय लें और नहीं तो प्रांतीय निर्देश पर आगे की रणनीति के अनुसार और आंदोलन उग्र की जाए। हम यानी पूरे शिक्षक साथी एलबी संवर्ग से हैं। हमारी यानी बहुत सारी मांगे तो पूरी हो गई है लेकिन जो मुख्य मांगे हैं वो अभी तक अधूरी है और उसके तहत ही हम लोगों ने ये सत्याग्रह आंदोलन किया है। और सबसे बड़ी विडम्बना तो ये है कि पेंशन जो है, क्योंकि हमारे जो शिक्षक साथी है वो भी रिटायर हुए हैं लेकिन उनको 700 या 800 मंथली यानी पेंशन मिल रहा है। आज यानी सभी जानते हैं कि महंगाई भी इतना है तो 700 या 800 रुपये में हम यानी माह के जो खर्च हैं वो उसको पूरा नहीं कर सकते। बालोद से KP चंद्राकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।